हेलो स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 का पार्ट 3, एटॉमिक थ्योरी, पीरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में हमने एटॉमिक थ्योरीज, एफर्ट्स ऑफ साइंटिस्ट, पीरियोडिक टेबल ये सब पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। द इंफॉर्मेशन अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड देयर अरेंजमेंट वॉज नॉट नॉन एट द टाइम व्हेन मेंडेलीव डेवलप्ड हिज पीरियोडिक टेबल। हैंस ही कंसिडर्ड एटॉमिक मास एज द मेन प्रॉपर्टी। मेंडेलीव्स ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी वह एटॉमिक मास पे डिपेंड थी, क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में ज़्यादा अरेंज नहीं किया गया था, इसलिए उस टाइम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। एट द स्टार्टिंग ऑफ 20th century आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, हेनरी मोजले रीऑर्गेनाइज्ड पीरियोडिक टेबल इन 1913। 20th century में हेनरी मोजले नाम के साइंटिस्ट आए जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को रीऑर्गेनाइज्ड किया। कब? जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी। ही स्टेट दैट एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। हेनरी मोजले गेव अ मॉडिफाइड पीरियोडिक लॉ अकॉर्डिंग टू विच द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मेंडेलीव जी ने अपनी पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज की थी, लेकिन मोजले ने जो नई पीरियोडिक टेबल बनाई वो एटॉमिक नंबर के बेस पे थी। इन्होंने बोला कि एटॉमिक नंबर जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए। इन्होंने एक पीरियोडिक लॉ दिया। पीरियोडिक लॉ क्या था कि जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास के बेस पर उनके केमिकल और फिजिकल जो क्वालिटीज़ हैं वो कुछ टाइम बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट। एटॉमिक नंबर क्या होता है? जितने भी एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वही उनका एटॉमिक नंबर हो जाता है। और हमारी जो नई पीरियोडिक टेबल थी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंग थी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इट्सेल्फ रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज सिंपल एंड मोर ब्रॉड इन कंपैरिजन टू मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीव्स जी की जो पीरियोडिक टेबल थी वो छोटी थी, लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो काफ़ी ब्रॉड है, मतलब बड़ी है। और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस तरह अरेंज है? एटॉमिक नंबर्स पे। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को रिप्रेजेंट करती है। इट इज़ आल्सो नोन एज एक्सटेंडेड और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसके दो अदर नेम भी है, एक्सटेंडेड और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हॉरिजेंटल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स एंड वेंट्रिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। और जो नई पीरियोडिक टेबल थी उसमें हॉरिजेंटल लाइंस को पीरियोडिक पीरियड्स कहा गया और वेंट्रिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहा गया, मतलब जो स्टैंडिंग लाइन है वो ग्रुप्स हो गई और जो सिंपल लाइंस हैं उनको पीरियड्स कहा गया। द नंबर ऑफ ग्रुप इज 18। इस नई पीरियोडिक टेबल में ग्रुप कितने थे? 18 थे। एंड नंबर ऑफ पीरियड्स इज 7 और 7 पीरियड्स थे। पीरियड्स रिप्रेजेंट मैन एनर्जी लेवल और शेल। पीरियड्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मैन एनर्जी लेवल्स या फिर शेल या ऑर्बिट को। फर्स्ट पीरियड कंटेन टू एलिमेंट्स एंड इट इज़ नॉन एज वेरी शॉर्ट पीरियड। जो फर्स्ट पीरियड होता है उसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट आते हैं, इसलिए इनको वेरी शॉर्ट पीरियड कहा गया है। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड कंटेन 8 एलिमेंट्स। सेकेंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए इनको शॉर्ट पीरियड कहा गया है। फर्स्ट में कितने थे? 2 एलिमेंट थे, इसलिए उसको वेरी शॉर्ट पीरियड। सेकेंड और थर्ड में 8 एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए इनको शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। फोर्थ और फिफ्थ में 18 एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए इन्हें लार्ज पीरियड्स कहा जाता है।
और टोटल कितने होते हैं, सेवन्थ पीरियड होते हैं, तो सिक्स्थ और सेवन्थ में भी 32 एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए उनको वेरी लार्ज पीरियड्स कहा जाता है. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इट इज़ क्लियर दैट एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप हैव कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ वैलेंस शेल. इसका मतलब क्या है कि इससे ये तो पता चलता है कि एलिमेंट्स अगर सेम ग्रुप में हैं तो उनका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशंस होगा. अब ये जो टर्म आई है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होता क्या है, द इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल इन एटम और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है जब, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशंस. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैव फोर ब्लॉक्स, इसमें चार ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक. एस ब्लॉक में क्या आता है, एस ब्लॉक कंटेन वन एंड टू ग्रुप्स, इसमें फर्स्ट और सेकंड ग्रुप आएगा. पी ब्लॉक में 13 से लेके 18 ग्रुप आएंगे और डी ब्लॉक में थर्ड से लेके 12 ग्रुप आएगा. और पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ दो सीरीज़ होती हैं, वो आती है एफ ब्लॉक में. ये होती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ग्रुप फर्स्ट और सेकंड क्या है, एस ब्लॉक. ग्रुप 13 से लेकर 18 क्या है, पी ब्लॉक. और मिड में जो है, मतलब थर्ड से लेकर 12 तक, वो होता है डी ब्लॉक. और नीचे जो एक्स्ट्रा सीरीज़ दे रखी होती है वो होती है एफ ब्लॉक. हेनरी मोज़ले ने जो नई पीरियोडिक टेबल बनाई है वो एटॉमिक नंबर पे बेस है. इस पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाने पे या टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक नंबर हमेशा इंक्रीज होता है. इस नई पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट तो हाइड्रोजन है और लास्ट एलिमेंट ऑर्गनेजन है, जिसको ओजी से लिखा जाता है. इसमें टोटल नेचुरल एलिमेंट्स 98 हैं और आर्टिफिशियल एलिमेंट 20 है. द फर्स्ट सीरीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कम्स आफ्टर लैंथेनम. जो फर्स्ट सीरीज है एफ ब्लॉक की, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, लैंथेनम के बाद, इसलिए उसको लैंथेनोइड सीरीज कहा जाता है. और एफ ब्लॉक की जो सेकेंड सीरीज है वो एक्टिनियम, एक्टिनियम एलिमेंट होता है, उसके बाद स्टार्ट होती है, इसलिए उसको एक्टिनॉइड एलिमेंट्स या फिर एक्टिनॉइड सीरीज कहा जाता है. अब है इन ब्लॉक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको बोलते क्या हैं. तो फर्स्ट है एस ब्लॉक. एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एल्केली मेटल्स एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स. जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको क्षारीय धातु या क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है. इनको एल्केली या एल्केलाइन मेटल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मेटल्स ऑक्साइड्स बनाती है जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, मतलब बेसिक नेचर के होते हैं. बेसिक को क्या बोलते हैं, एल्केली बोलते हैं. एस ब्लॉक कंटेन टोटल 13 एलिमेंट्स. एस ब्लॉक में टोटल 13 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से 12 तो मेटल्स होती हैं और सिर्फ एक नॉन मेटल होती है, हाइड्रोजन. और एस ब्लॉक में दो ग्रुप आते हैं, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप. फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, पहले हम वो देख लेते हैं. तो फर्स्ट ग्रुप में है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम. फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, हली ने की रब से फरियाद. अब हम देखते हैं सेकंड ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम. और इसकी क्या ट्रिक होगी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए. ये ट्रिक है बस इनको याद रखने की. नेक्स्ट है पी ब्लॉक एलिमेंट्स. पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या फिर मेन एलिमेंट्स कहा जाता है. पी ब्लॉक एलिमेंट्स कंटेन 31 एलिमेंट्स. और पी ब्लॉक में 31 एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स तीनों पाए जाते हैं. और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, ग्रुप 13 से 18 तक. ये सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं. पी ब्लॉक में टोटल 31 एलिमेंट्स होते हैं जो ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक होते हैं. तो हम ग्रुप 13 का देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इसमें.
बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम और एक नया एलिमेंट खोजा गया था जो है निहोनियम। और इनको याद रखने की ट्रिक क्या हो जाएगी, बैंगन, आलू, गाजर इन थेला, ठीक है। 13 ग्रुप के एलिमेंट्स को बोरोन फैमिली भी कहा जाता है क्योंकि ये बोरोन से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट है 14 ग्रुप के एलिमेंट्स। 14 ग्रुप के एलिमेंट्स को कार्बन फैमिली कहा जाता है क्योंकि ये कार्बन से स्टार्ट हो रहे हैं। इस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन, लेड और नया एलिमेंट था वो है फ्लोरोवियम। और इनको याद रखने की ट्रिक क्या हो जाएगी, कहे सीताजी सुनो प्रभु, कहे मतलब कार्बन, सीता मतलब सिलिकॉन, जी मतलब जर्मेनियम, सुनो मतलब एस एन को रिप्रेजेंट करता है टिन, और प्रभु मतलब पीबी लेड। पी ब्लॉक में नेक्स्ट ग्रुप है ग्रुप 15। ग्रुप 15 को निकोजन फैमिली कहा जाता है क्योंकि ये नाइट्रोजन से स्टार्ट होती है। इस ग्रुप में कौन कौन एलिमेंट होंगे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मत। और इनको याद रखने की ट्रिक क्या हो जाएगी, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। नेपाल मतलब नाइट्रोजन, पाकिस्तान मतलब फॉस्फोरस, ऑस्ट्रेलिया मतलब आर्सेनिक, सब मतलब एंटीमोनी। एंटीमोनी का सिंबल होता है SB और बीमार का मतलब बिस्मत। ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 16 तक सारे मेटल्स होते हैं। ग्रुप 16 के एलिमेंट्स और के फॉर्म में होते हैं और कौन कौन से होंगे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलूरियम, पोलोनियम, ठीक है। और इनको याद रखने की स्टाइल वह क्या होगी, ट्रिक ओल्ड स्टाइल से TPO, ओल्ड मतलब ओ, स्टाइल मतलब सल्फर, से मतलब सेलेनियम, टी मतलब टेलूरियम, पो मतलब पोलोनियम, ओल्ड स्टाइल से TPO। अब है ग्रुप 17। ग्रुप 17 को हेलोजन फैमिली कहा जाता है क्योंकि ये सारे सॉल्ट बनाते हैं और हैलाइड बनाते हैं, इसलिए इनको हेलोजन कहा जाता है। और इस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेलाइन, ठीक है। और एक नया एलिमेंट है टेनेसिन, ठीक है। और ये सारे मेटलॉइड के फॉर्म में होंगे, मतलब ये मेटल्स के क्वालिटी भी शो करेंगे और नॉन मेटल्स की क्वालिटी भी शो करेंगे। अब है 18 ग्रुप। 18 ग्रुप को जीरो ग्रुप भी कहते हैं, नोबल ग्रेस ग्रुप भी कहते हैं और जीरो वैलेंट ग्रुप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्टेबल होते हैं, इनमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है तो कोई भी केमिकल बॉन्डिंग भी नहीं होगी। इनको नोबल गैसेस कहा जाता है क्योंकि ये स्टेबल होते हैं। और इस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन और एक नया एलिमेंट है ऑग्नेसन। ये सब क्या है, ये नोबल गैसेस हैं। और इनको याद रखने की ट्रिक क्या हो जाएगी, हीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ही मतलब हीलियम, ना मतलब नियॉन, और मतलब आर्गन, करीना का मतलब क्रिप्टॉन, एक्सरे मतलब ज़ेनॉन और रंगीन मतलब रेडॉन। अब है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है और डी ब्लॉक में टोटल 40 एलिमेंट्स आते हैं। और ये 40 एलिमेंट्स थर्ड ग्रुप से लेकर 12 ग्रुप तक होते हैं, मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो ग्रुप का सेट है वो कौन सा होगा, डी ब्लॉक होगा। नेक्स्ट ब्लॉक है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट और इन एलिमेंट्स को इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है और एफ ब्लॉक में टोटल 28 एलिमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे दो टर्म आई है, ट्रांजिशन एलिमेंट और इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट, तो हम पहले इनको देख लेते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स और ट्रांजिशन मेटल्स, इनको ट्रांजिशन मेटल्स भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिट जो होती है वो पार्शली फिल्ड होती है, मतलब पूरी तरह से फिल नहीं होती है। ट्रांजिशन मेटल्स आर हैवी और ये मेटल्स भारी मेटल्स होती हैं। दे मेल्ट ओनली एट हाई टेम्परेचर और सिर्फ हाई टेम्परेचर भी ही ये मेल्ट होती है। दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स और इनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं, मतलब उनमें कलर होता है।
दे कैन कम्बाइन विद अनदर एलिमेंट टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, और ये एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ जुड़कर कंपाउंड्स बना देती है, एंड दे ऑफन एक्ट एज कैटलिस्ट, और एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करती हैं। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s एंड 3d की फॉर्म में होता है। तो पहले इनकी जो आउटर शेल होती है, मतलब बाहरी शेल जो होती है, उसमें तो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जबकि अंदर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि पहले 3d में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएँ और फिर 4s में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसी कारण क्या होता है कि जो 4s वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो 3d में आ जाते हैं, और हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स का आना ही क्या कहलाता है, ट्रांजिशन कहलाता है। इसलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, क्योंकि वो पार्शियली फिल्ड होते हैं। उनकी आउटर शेल तो भरी हुई होती है इलेक्ट्रॉन से, लेकिन जो इनर शेल है वो इलेक्ट्रॉन से पूरी तरह से फिल नहीं होती है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स आते जाते रहते हैं। नेक्स्ट है इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 6s, 5p एंड 4f। तो जो सबसे पहली इनर वाली शेल है वो 4f होती है, तो पहले इलेक्ट्रॉन्स किस में भरे जाएंगे, अंदर वाली शेल में भरे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे 4f में तो इलेक्ट्रॉन होते नहीं हैं, और डायरेक्ट 5p और 6s में इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, तो इसलिए इन एलिमेंट्स को इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। और ये जो इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये दो सीरीज़ में होते हैं, 4f एंड 5f। जो 4f सीरीज़ है उनको लैंथेनॉइड सीरीज़, और 5f सीरीज़ को एक्टिनॉइड सीरीज़ कहा जाता है। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, मतलब ये स्टेबल नहीं होते हैं। दे आर प्रोवाइडिंग गुड सोर्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 6x, 5p एंड 4f। फर्स्टली द इलेक्ट्रॉन शुड बी इन 4f, देन 5f एंड देन 6x। बट इन 4f देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स इन f ब्लॉक। मोस्ट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस ग्रुप। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल कम्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, एंड इन राइट हैंड साइड कम्स इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। अ ज़िगज़ैग लाइन ड्रॉन बिलो बोरोन, सिलिकन, आर्सेनिक, इन सब के नीचे एक ज़िगज़ैग लाइन होती है, एक बाउंड्री होती है जो मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट करती है, और इनको क्या बोलते हैं, मेटेलॉइड एलिमेंट्स। नेक्स्ट है पीरियडोसिटी इन प्रॉपर्टीज, मतलब इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उस अकॉर्डिंग लेफ्ट टू राइट जाने पर या टॉप टू बॉटम जाने पर उनमें केमिकल या फिजिकल चेंज किस तरह से होते हैं। मेन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर एक्सप्लेन बेस्ड ऑन पीरियोडिक टेबल। वी ऑब्जर्व अ डेफिनेट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज व्हेन वी मूव अलोंग अ पीरियड, मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे, और अगर ग्रुप में जाएंगे हम तो टॉप टू बॉटम जाएंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो इस चीज़ को बोलते हैं पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट है एटॉमिक रेडियस। इट इज़ द टोटल डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड। ऐसी डिस्टेंस किस किस के बीच में, न्यूक्लियस और एटम के जो लास्ट वाली शेल होती है, ऑर्बिट जो होती है, लास्ट ऑर्बिट से लेकर न्यूक्लियस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। द यूनिट ऑफ एटॉमिक रेडियस इज नैनोमीटर, एंगस्ट्रम और पिकोमीटर। इसकी तीन यूनिट होती है, नैनोमीटर, एंगस्ट्रम और पिकोमीटर। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एटम का साइज इंक्रीज होगा। और एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे पीरियोडिक टेबल में तो वहाँ पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी। सेकंड है आयोनिक रेडियस। व्हेन एन एटम लॉस और गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स देन आयन्स आर फॉर्म। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स देता है
या फिर इलेक्ट्रॉन्स किसी से गेन करता है, लेता है, तो वहाँ पर क्या बनते हैं, आयंस बनते हैं, मतलब पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। द रेडियस ऑफ एन आयन, और आयंस की जो रेडियस होती है उसको बोलते हैं आयोनिक रेडियस। व्हेन एन एटम गेन्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेता है मतलब एक्सेप्ट करता है, तो वहाँ पर एनायन बनता है। और अगर कोई एटम कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है या फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, तो वहाँ पर कैटायन बनता है। कैटायन क्या होता है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, और एनायन होता है जिस पर नेगेटिव चार्ज आ जाए। थर्ड है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इट इज़ द टोटल एंथैल्पी और एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द फर्स्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। इसका मतलब है आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, किसी भी एटम की आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। इस प्रोसेस में हमेशा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए इसको पॉजिटिव प्रोसेस कहते हैं। When we going top to bottom, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे periodic table में, तो ionization energy decrease होगी, और left to right जाने पर ionization energy increase होती है। Fourth property है atomic size। Atomic size क्या होता है, atomic size is actually total distance between nucleus and outermost shell। आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी होती है उसको एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, जब हम टॉप से बॉटम में आते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। किस में लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, और लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम किसको कहते हैं, इट इज़ द टोटल एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम इज एडेड टू एन आउटर मोस्ट शेल। जब किसी एटम की आउटर मोस्ट शेल मतलब बाहरी शेल में कोई इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है, तो उसको जोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है, जितनी एनर्जी रिलीज की जाती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इंक्रीजेज। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, और टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज्ड होगी। सिक्स्थ पॉइंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ एन एलिमेंट इज इट्स रिलेटिव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इट्सेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब क्या है, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर पार्टनरशिप के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको अपने तरफ अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या फिर हम बोल सकते हैं टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ड्यू टू दिस द बॉन्ड कम्स पॉलर, और इसके कारण जो बॉन्ड्स होते हैं मतलब लॉन पेयर जो बनते हैं, वो इसी कारण बनते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। इलेक्ट्रोनेगेटिव इज डिक्रीज्ड व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, और जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, और टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है वैलेंसी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल इन एन एलिमेंट डिटरमाइंस इट्स वैलेंसी। कोई भी एटम हो, उसकी जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, वो वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। वैलेंसी इज इक्वल टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल। वैलेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिक एलिमेंट इज द कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी विथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कोई भी इलेक्ट्रिक एलिमेंट होता है उसकी वैलेंसी क्या होती है, कि वो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के एलिमेंट्स को कितना कंबाइन कर रहा है, उस कैपेसिटी को बोलेंगे। आउटर मोस्ट शेल इज ऑल्सो नोन एज वैलेंस शेल, और जो आउटर मोस्ट शेल होती है, बाहरी शेल होती है, उसको हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, क्योंकि उसी से पता लगाते हैं कि कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहरी कक्षा में।
तो हम सारे ब्लॉक्स की वैलेंसी देख लेते हैं। वैलेंसी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की वैलेंसी प्लस वन होती है ग्रुप फर्स्ट की और ग्रुप सेकंड की प्लस टू। मतलब ये ग्रुप फर्स्ट वाले जो एलिमेंट्स हैं वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और ग्रुप सेकंड वाले जो एलिमेंट्स हैं वो दो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और अगर एक्सेप्ट करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 13 ग्रुप से 18 ग्रुप तक। तो 13 ग्रुप की वैलेंसी होती है प्लस 3, 14 ग्रुप की वैलेंसी होती है प्लस 4 और 15 ग्रुप की वैलेंसी होती है माइनस 3 या फिर प्लस का 5। या तो 5 को डोनेट कर देगा या फिर 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। और 16 ग्रुप की जो वैलेंसी होती है प्लस 6 होती है या फिर माइनस का 2। माइनस का मतलब है या तो एक्सेप्ट कर रहा है या फिर डोनेट कर रहा है, तो डोनेट करेगा उस पर पॉजिटिव और जो एक्सेप्ट करेगा उस पर नेगेटिव। 17 ग्रुप की वैलेंसी होती है प्लस 7 या फिर माइनस 1। और जो 18 ग्रुप्स हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो 18 ग्रुप है उसकी वैलेंसी ज़ीरो होती है क्योंकि ये पहले से स्टेबल होता है, इनमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए इसकी वैलेंसी ज़ीरो होगी। ना तो ये इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं और ना ही डोनेट करते हैं। 11th पॉइंट है कोवेलेंट रेडियस। इट इज़ द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्ली ऑफ टू सेम एटम्स। अगर कोई दो एटम सेम हैं तो उनके न्यूक्लियस के बीच में की जो डिस्टेंस है उसका हाफ करने पर हमें कोवेलेंट डिस्टेंस या फिर कोवेलेंट रेडियस मिलती है। बाय अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इन ए डाई एटोमिक मोलिक्यूल, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है, सेम एटम्स हैं, तो इनके बीच में जो रेडियस होती है वो कोवेलेंट रेडियस कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है वंडरवॉल रेडियस। वंडरवॉल रेडियस क्या होती है, इट इज़ द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बाउंडेड एटम्स। कोई दो एटम्स बाउंडेड नहीं है तो उन दोनों के जो डिस्टेंस है उनका हाफ होती है वंडरवॉल रेडियस। वैल्यू ऑफ वंडरवॉल रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ कोवेलेंट रेडियस, और ये कोवेलेंट रेडियस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि एस ब्लॉक में टोटल 13 एलिमेंट्स होते हैं जिनमें 12 मेटल होती है और एक नॉन मेटल होती है, और एस ब्लॉक के एलिमेंट्स ग्रुप फर्स्ट और सेकंड में आते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में टोटल 31 एलिमेंट्स आते हैं जो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड की फॉर्म में होती हैं, और इनके ग्रुप नंबर क्या होते हैं, 13 से 18 तक टोटल पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, और ग्रुप 17 को हेलोजन ग्रुप कहा जाता है और ग्रुप 18 को नोबल गैसेस ग्रुप कहा जाता है या फिर जीरो ग्रुप। फिर हमने पढ़ा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है, और हमने पढ़ा कि इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं, 40, जिनमें सभी मेटल्स होती हैं, और इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट शेल हाफ फिल्ड या फिर पार्शली फिल्ड होती है, पूरी तरह से फिल नहीं होती है। देन हमने पढ़ा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स टोटल 28 होते हैं और इनको इंटर ट्रांजिशन मेटल्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो पार्शली फिल्ड होता है, और इसके मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, मतलब नॉट स्टेबल होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं, और इनके दो सीरीज़ होती है 4F एंड 5F। 4F सीरीज़ को लैंथेनॉइड सीरीज़ कहा जाता है क्योंकि ये लैंथेनम एलिमेंट के बाद स्टार्ट होती है, और 5F सीरीज़ को एक्टिनॉइड सीरीज़ कहा जाता है क्योंकि यह एक्टिनियम एलिमेंट के बाद स्टार्ट होती है। ये लैंथेनम या फिर एक्टिनम से स्टार्ट नहीं होती है, इनके बाद से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये हमारी पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो हेनरी मोजले ने 1913 में दी थी। एस ब्लॉक फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में आते हैं जिनको एल्केलाइन मेटल्स या फिर एल्केलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है, और जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स पूरे आते हैं। इसमें 13 से लेकर 18 ग्रुप्स तक के एलिमेंट्स आते हैं, और इसी में जिगजैग लाइन आती है। जिगजैग लाइन किसको किसको अलग करती है, मेटल्स को और नॉन मेटल्स को, और जिगजैग लाइन में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको मेटलॉइड्स कहा जाता है। और जो 18 ग्रुप है वो नोबल गैसेस का ग्रुप है, इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। और हमने पढ़ा जो डी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो टोटल 40 हैं,
और ये ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक होते हैं। बीच के जो एलिमेंट्स हैं सारे वो डी ग्रुप में आते हैं, टोटल 40 एलिमेंट्स, और ये सारे एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं। और इसी में 57 और 89 नंबर पे जो लैंथेनम और एक्टिनम है उन्हीं को एक सीरीज़ के रूप में दे रखा है नीचे की तरफ, जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। लैंथेनम के बाद में जो सीरीज स्टार्ट होती है एफ़ ब्लॉक की, उसको लैंथेनम सीरीज़ कहते हैं या फिर लैंथेनॉइड सीरीज़ कहते हैं, और जो एक्टिनम के बाद स्टार्ट होती है उसको एक्टिनॉइड सीरीज़ कहते हैं। तो ये थी हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उम्मीद है अब आपको पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डिफरेंस समझ आया होगा और अच्छे समझ में आया होगा कि एलिमेंट्स किस तरह होते हैं, कौन से मेटल्स के फॉर्म में होते हैं, कौन से नॉन मेटल्स के फॉर्म में होते हैं, कौन से ग्रुप को हम नोबल ग्रुप कहते हैं या फिर ज़ीरो ग्रुप कहते हैं, कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं और कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, लैंथेनॉइड सीरीज़ क्या होती है, एक्टिनॉइड सीरीज़ क्या होती है, ये सब हमने इस क्लास में पढ़ा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अगली क्लास में।